और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, जो कि अभी तक सुलझ नहीं सका है। इसे लेकर अजय माकन विधायकों संग कई बार की बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता साफ नहीं हो चुका है। बता दें आपको कि अजय माकन ने कई विधायकों संग बात भी की, बैठक की, जिसमें कई विधायकों का फीडबैक भी लिया। अब अजय माकन ने सभी विधायकों का फीडबैक ले लिया है, जिसके बाद अजय माकन एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को वो पार्टी हाईकमान को भेजेंगे, जिसके बाद ही जो है वो सही निर्णय लिया जा सकेगा। इस बीच आपको बता दें कि सचिन पायलट, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वो अपने पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी में सम्मान और अच्छे पद की भी मांग कर रहे थे। वहीं बता दें कि सचिन पायलट जो है वो इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और जहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी हाईकमान संग बैठकें भी हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कि अजय माकन ने और क्या क्या बातें कही हैं और विधायकों संग बैठक में उन्होंने फीडबैक के तौर पर रिपोर्ट में और क्या क्या बातें जो है वो मेंशन करी है। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में कांग्रेस व समर्थक विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को पूरा कर लिया। अब वे अपनी रिपोर्ट नई दिल्ली में पार्टी आला कमान को सौंपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के लिए रात्रि भोजन का भी आयोजन किया। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि विधायकों से चर्चा के तहत माकन ने दूसरे दिन गुरुवार को कई विधायकों से अपने सामने एक एक कर चर्चा की। माकन बुधवार को पहले ही 66 विधायकों से मिले थे और दो दिन में उन्होंने कुल मिलाकर 115 विधायकों से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार माकन ने सरकार व संगठन के कामकाज, प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल व पार्टी के संगठन में जिला व ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों के लिए उनकी राय ली है। माकन अब अपनी रिपोर्ट पार्टी आला कमान को सौंपेंगे। वहीं यह प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार रात कांग्रेस व समर्थक विधायकों को मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोजन के लिए बुलाया। विधायक दल की बैठक के सवाल पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि विधायक भोज पर आ रहे हैं और अनौपचारिक बैठक भी होनी है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि शुक्रवार को गहलोत की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के लिए दिन में भोजन का आयोजन किया जाएगा। वहीं दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी कांग्रेस की सरकार। जी हां, बता दें कि उल्लेखनीय है, राज्य की अशोक गहलोत सरकार दिसंबर 2018 में सत्ता में आई और अपना लगभग आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन प्राप्त है। इससे पहले दिन में माकन से मिलने के बाद चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में फीडबैक लेना कोई नई बात नहीं है, पहले से चला रहा है, यह नई बात बल्कि अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस को जिन चीजों से मजबूती मिले और अगर आम विधायक की राय पार्टी आला कमान तक पहुंचे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वहीं मुख्य सचेतक जोशी ने कहा है कि पार्टी इस तरह के फीडबैक लेती रहती है, यह परंपरा है, जिसके मन में जो बात है कहेगा और आला कमान के सामने अपनी बात रखेगा, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वहीं विधायक रामनिवास गवड़िया ने मीडिया से कहा है कि जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर सरकार बनाई, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन मंत्रियों को लेकर शिकायत थी, उनको लेकर भी बात रखी जाए। वहीं उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच माकन व पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीते शनिवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लंबी चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ने का फैसला किया है। राजस्थान कांग्रेस के सियासत में गहलोत बनाम पायलट के विवाद को खत्म करने की मुहिम के तहत चल रहा फीडबैक कार्यक्रम तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहेगा।
वहीं राजस्थान कांग्रेस की सियासत में गहलोत बनाम पायलट के विवाद को खत्म करने की मुहिम के तहत चल रहा फीडबैक कार्यक्रम तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से चर्चा कर फीडबैक लिए। वहीं यह फीडबैक सुबह 9 बजे शुरू होगी। वहीं माकन ने इससे पहले बुधवार को गुरुवार को पार्टी तथा सरकार समर्थित करीब 115 विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर गहलोत सरकार का पूरा फीडबैक लिया है। वहीं यह मशक्कत गहलोत मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार और फीडबैक और फेरबदल के लिए लिया गया है। जी हां, पार्टी सूत्रों के अनुसार पहले केवल विधायकों से ही 1-to-1 चर्चा का प्लान था, लेकिन बाद में पार्टी अधिकारियों की ओर से यह मांग उठी थी कि इस बारे में उनकी भी राय ली जानी चाहिए। इस पर इस फीडबैक कार्यक्रम का विस्तार किया गया। माकन ने 2 दिन तक लगातार विधायकों से फीडबैक लिया। उसके बाद गुरुवार रात को विधायक के लिए सीएमआर में डिनर रखा गया था। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे इस सियासी संघर्ष के बीच राजस्थान में सत्ता और संगठन की नब्ज टटोलने के लिए जयपुर में डेरा डाले माकन ने फीडबैक कार्यक्रम के तहत राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक नियुक्तियों के जैसे मसलों पर भी विधायकों के सुझाव लिए। इस फीडबैक कार्यक्रम से राजस्थान कांग्रेस में खासी हलचल मची हुई है। इस दौरान विधायकों ने प्रदेश प्रभारी से जहां कई मंत्रियों की शिकायत की, वहीं इकाइयों के लिए लॉबिंग भी की गई है। माकन ने इस संवाद को लेकर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस में समय समय पर इस तरह के मंथन होते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मंथन को लेकर मंत्रिमंडल फेरबदल को जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह भगवान की नजर में आस्तिक और नास्तिक सभी समान होते हैं, उसी तरह आला कमान भी सभी की बात सुनता है। जोशी ने पार्टी में गुटबाजी की बात से इनकार किया है और कहा है कि इस मंथन में अमृत जरूर मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, जो कि अभी तक सुलझ नहीं सका है। इसको लेकर सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर थे, जिसके बाद जो है वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते, लेकिन वो प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं कर सके, क्योंकि उससे पहले प्रियंका गांधी जो है वो दिल्ली में नहीं थी। लेकिन इसके बाद फिर से सचिन पायलट दिल्ली गए हैं, जहां पर सचिन पायलट की मुलाकात पार्टी हाईकमान से हो सकती है। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।